अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं दयांगा की मॉस, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे दयांगा की डॉम पे, और सलमान भाई का इस टाइम इंतजार हो रहा है, वो शावर ले रहे हैं। जैसे वो आएंगे तो हम निकलेंगे, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है दयांगा की डॉम। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं दयांगा की मस्जिद। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं रुहान हबशी, साथ हमारे साथ जर्सी बैठा है। फ्रेंड, ये मस्जिद जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां की दाई के लिए तमीर करवाई। ये मस्जिद 1635 में इसकी तमीर का आगाज हुआ और 1649 में इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया सिख रूल में। ये मस्जिद लाहौर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अकब में मौजूद है। जैसा कि लास्ट वीडियो हमारी मकबरा दयांगा पे थी और आज हम दयांगा की मस्जिद में मौजूद हैं। ये मस्जिद बादशाही मस्जिद के 10वें तमीर में है। इस मस्जिद के तीन हिस्से हैं, जो उसका बीच वाला हिस्सा है उसमें येलो, ग्रीन और ऑरेंज कलर का कशानी वर्क कराया गया है। काश्तकारी का काम किया, आए इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है और ये कितने अच्छे से यहाँ मौजूद हैं। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से 4 साल से काम कर रहा हूँ और 4 सालों में ये जो मरम्मत का काम है ये भी किया है बाहर का, और अंदर जो है ना नया सारा बनाया मैंने। अच्छा, और नया बनाने में काफ़ी अर्सा लगा, ये तकरीबन 1 साल और 6 महीने लगे अंदर। तो उसके बाद ये इसकी बाल भी काम शुरू है, ये पिलर भी बन रहा है और ये दूसरा पिलर भी बना रहे हैं। ये आस्ता आस्ता ये काम चल रहा है। हाफिज तारक साहब हैं, वो काम ये करा रहे हैं। दूध का फार्म ही यहाँ पे वो बनवा रहे हैं। ये हुकूमत के लिए सस्ती में नहीं आता? जी नहीं, वो कोई पैसा नहीं खर्च करती, तो इसलिए वो लोग मलेदार वाले करवा देते हैं थोड़ा बहुत। जैसा कि आपने अभी सुना कि ये हुकूमत के लिए नहीं है। मैं मर गया, इसलिए आप फैशन से मिलने आए, पर वो सोलो में उतनी